दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साउथ की फिल्मों के ऐसे अभिनेताओं के बारे में जो एक फिल्म के लिए भारी भरकम रकम लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कमाल की वीडियो। कमल हासन, एक्टर कमल हासन भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम करने वाले कमल हासन एक फिल्म के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। रजनीकांत, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत जिस फिल्म में होते हैं तो वो फिल्म वैसी ही हिट मानी जाती है। उनके फैंस उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। रजनीकांत हर फिल्म में 50 से 60 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं और रजनीकांत ने फिल्म दरबार के लिए 90 करोड़ रुपए लिए थे। विजय, साउथ सुपरस्टार्स में से एक विजय गजब की फीस लेते हैं और इनकी फीस की बात करें तो रजनीकांत सर के बाद थलापति विजय का नाम आता है। विजय के फैन फॉलोअर्स भी साउथ इंडिया के साथ साथ पूरे इंडिया में है। विजय की शानदार एक्टिंग की वजह से ही आज उनकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। पूरे इंडिया में लोग उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार करते हैं। विजय आज तक एक फिल्म के लिए 80 से 90 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। अल्लू अर्जुन, अभिनेता अल्लू अर्जुन इन दिनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा फिल्म ने कमाई के मामले में तो बॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक फिल्म के लिए करीबन 20 से 25 करोड़ की फीस लेते हैं। अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म एटली के साथ हो सकती है। इस फिल्म के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया है। महेश बाबू, साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भले ही फिल्मी बैकग्राउंड से ना हो पर उन्होंने अपनी मेहनत से टॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। महेश बाबू की गिनती आज टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में होती है। महेश बाबू ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी और आज महेश बाबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंडरी एक्टर बन चुके हैं। महेश बाबू की फिल्में सुपर हिट होती हैं। महेश बाबू एक फिल्म करने के लिए 40 करोड़ की फीस लेते हैं। साउथ में कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फीस इनसे बहुत ज्यादा है। प्रभास, बाहुबली से प्रभास की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और इसी वजह से उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। प्रभास अपनी हर फिल्म के लिए 70 से 85 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं और साथ ही साथ फिल्म की कमाई का 10% हिस्सा भी लेते हैं। और हाल ही में उन्होंने KGF डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म सालार के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की। रामचरण, हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में अगला नाम है तेलुगु स्टार रामचरण का। रामचरण डबल अटैक, ध्रुवा, मगधीरा जैसी कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने RRR फिल्म के लिए 45 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। रामचरण एक फिल्म में काम करने के लिए 35 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। मोहनलाल, अभिनेता मोहनलाल को हिट फिल्मों के लिए गारंटी माना जाता है। इस स्टार को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। साउथ के इस सुपरस्टार को अब तक भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल एक फिल्म के लिए करीबन 65 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। चिरंजीवी ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्हें साउथ फिल्मों का मेगा स्टार कहा जाता है। चिरंजीवी को साउथ के लोग रजनीकांत और कमल हासन जितना ही स्नेह और सम्मान देते हैं। चिरंजीवी एक फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। नंदामुरी बालकृष्ण, जी हाँ दोस्तों, नंदामुरी बालकृष्ण का कद साउथ सिनेमा में कहीं से भी चिरंजीवी या नागार्जुन से कम नहीं है। उन्हें भी इस इंडस्ट्री का मेगा स्टार माना जाता है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाओं की 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके बालकृष्ण एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए लेते हैं। पवन कल्याण, इनकी फिल्में बहुत ही धमाकेदार होती हैं और बहुत अच्छा कारोबार भी करती हैं। पवन कल्याण को दर्शक बहुत अधिक पसंद करते हैं। फिल्मों में पवन कल्याण के एक्शन सीन दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। आपको बता दें कि पवन ने अपनी फिल्मी करियर में 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। पवन एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए लेते हैं। नागार्जुन साउथ के सबसे अमीर एक्टर है। वो पिछले 35 सालों में हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं की 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो फिलहाल एक फिल्म के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। वर्तमान में नागार्जुन की नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए के करीब है। वी होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कॉमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट स्टार कौन है साउथ का, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।